आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी कोई फोटो डिलीट हो चुकी है तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हो। आपकी फोटो को 1 मंथ या 2 मंथ हो चुके हैं, आपको 3 मंथ हो चुके हैं, अगर आप उस फोटो को रिकवर करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप उस फोटो को कैसे रिकवर कर सकते हो, वो भी 1 से 2 मिनट के अंदर। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उस फोटो को रिकवर कैसे किया जाता है। तो चलिए गाइस चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे एप्लीकेशन को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इस को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके सर्च भी कर सकते हो बिजनेस यूट्यूबर 0 चम्मच। तो चलिए गाइस आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं आपको कह देता हूं कि आप 10 साल फोटो या 2 से 6-7 मंथ फोटो पुरानी को आप कैसे रिकवर कर सकते हो। तो चलिए गाइस चलते हैं मोबाइल। गाइस मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद में आपको यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टार्टिंग बेसिक फोटो स्कैन। सिंपली से बेसिक फोटो स्कैन पर आपको सिंपली से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जितने 1 मंथ या 2 मंथ पुरानी फोटो होगी जो भी दोस्तों आपने डिलीट कर दी होगी वहाँ पे सिंपली से आने स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं इस फोटो को मैंने 3 मंथ पहले यहाँ पे डिलीट कर दिया था। डिलीट करने के बाद दोस्तों अगर आपको इसको रिकवर करना है सिंपली से आपको यहाँ पे टिक मार करना है, उसके बाद में रिकवर पे सिंपली से क्लिक करना है। रिकवर पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली से आपको यहाँ पे सेव द फाइल्स टू कस्टम इस पर सिंपली से क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आप यहाँ से फोल्डर चूज कर लीजिए, उसके बाद में आप जिस भी फोल्डर में अपनी फोटो को सेव करना चाहते हो उस फोल्डर आप सिंपली से सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद में आपकी फोटो यहाँ पे सिंपली से सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है। तो चलिए आज के इतने में उम्मीद करूंगा कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जय हिंद वंदे मातरम, में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों ऐसा ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद वंदे मातरम।